अब मैं यहाँ पे काफी एक ट्रिकी प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा हूं और इसमें काफी ट्रिकी पॉइंट है। यदि आप उस पॉइंट को ध्यान में रखते हैं तो ये प्रॉब्लम जो आईआईटी जे एडवांस में आया हुआ है 2007 में, मेरे ख्याल से 2007 में, मैं फिर भी एक बार चेक कर लेता हूँ, 2007 में सिंगल करेक्ट में आया था। स्ट्रेट लाइन का कॉन्जुमेट्री का क्वेश्चन बड़े फिर काफी जल्दी कर देंगे, राइट, ये पॉइंट है। तो अब देखते हैं फटाफट भाई प्रॉब्लम है क्या। तो प्रॉब्लम कहा गया कि लेट ओ पी एंड क्यू बी द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल ओ पी की। तो एक ट्रायंगल ले लेते हैं भाई, ओ पी एंड क्यू, ये ले लीजिए, राइट। ओ का कॉर्नर 0-0 हो गया जी, पी का कॉर्नर दे रखा है 3.4, सी क्यू का कॉर्नर है 6.0, ये दे रखा है। द पॉइंट आर इन साइड द ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के अंदर पॉइंट आर है कोई और वो इस तरीके से है जिससे कि कहीं पॉइंट आर हो सकता है, ऐसा हो गया, पॉइंट आर कहीं पे होगा, तो पॉइंट आर कहीं पे है वो इस तरीके से है, जैसे ले लिया, जिससे कि ट्रायंगल ओपीआर, ओ पी आर, ये ट्रायंगल, राइट, ये ट्रायंगल, ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, राइट, एंड ट्रायंगल ओ क्यू आर, ओ क्यू आर, तो तीन ट्रायंगल है, ये देख रहे हैं, तीन ट्रायंगल, तीनों ट्रायंगल का इक्वल एरिया है। तो मुझे बताना है यहां पे कि कॉर्नेट बताइए आर का, आर का मुझे यहां पे कॉर्नेट बताना है, आर का यहां पे कॉर्डिनेट बताना है। तो भाई क्या बात है, ध्यान से देखिए आप, ये ट्रायंगल आइसोसेलस ट्रायंगल है, ध्यान से देखिए, ये ट्रायंगल एक्चुअली आइसोसेलस ट्रायंगल है, जो कि आप बड़े आसानी से डिस्टेंस कैलकुलेट करके देख सकते हैं। जैसे ओपी, ओपी विल बी इक्वल टू, सिंपल सी बात है, ओपी कितना हो जाएगा, रूट ओवर 3-0 का होल स्क्वायर, 9+16, दैट विल कम आउट 5 यूनिट। अब पी क्यू, पी क्यू ध्यान से देखिए, रूट ओवर वही वाली बात है कि 3 का होल स्क्वायर, मतलब 6-3 का होल स्क्वायर प्लस 0-4 का होल स्क्वायर, दैट मीन 4 का स्क्वायर, दैट मीन इट विल कम आउट 5 यूनिट, मतलब ओपी इक्वल टू पी क्यू है। अब ट्रिकी पॉइंट क्या है यहां पे, देखने वाली बात है, यदि जब भी आइसोसेलस ट्रायंगल हो तो उस केस में ऐसा सिचुएशन तभी एराइज होगा जब आर इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड हो, जब आर इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड हो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे, जब आर यहां पे सेंट्रॉइड हो, आइसोसेलस ट्रायंगल हो और इन तीनों की एरिया सेम है, तो वो पॉइंट आर, जो डिजायर्ड पॉइंट आर इनसाइड द ट्रायंगल है, वो डेफिनेटली सेंट्रॉइड है। तो सेंट्रॉइड तो बहुत आसान है, फिर 0+3+6, 0+3+6 डिवाइड बाय 3 विच विल कम आउट 3, 0+4+0 डिवाइड बाय 3 विच विल कम आउट 4/3, इसका तो कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 3.4/3, ये आपका आ जाएगा 3.4/3, द करेक्ट आंसर विल बी सिंपली सी। ये ट्रिकी पॉइंट है यहां पे, ट्रिकी पॉइंट क्या है, समझिए बात को, जब भी आइसोसेलस ट्रायंगल हो और पॉइंट, कोई पॉइंट इनसाइड है, तो जो तीन ट्रायंगल बनेगा जो कि दिख रहा है आपको, तो उसका एरिया इक्वल तभी होगा जब वो पॉइंट सेंट्रॉइड उस ट्रायंगल का हो, अदरवाइज कभी नहीं होगा, राइट। तो इस तरीके से मैंने आपके सामने इस प्रॉब्लम को डिस्कस किया है, पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, राइट, ये पॉइंट है यहां पे। तो एक बात तो ये हो गई, अब कुछ और एक दो और ट्रिकी पॉइंट मैं साथ साथ बता देता हूं यहां पे, ये तो हो गई बात, और भी ट्रिकी पॉइंट देखें यहां पे, मैं इसको हटा देता हूं। अब अगला ट्रिकी पॉइंट जो मैं बताना चाह रहा हूं वो ये देखिए, जैसे ये ट्रायंगल ले लीजिए, x1y1 x2y2 और x3y3, इसका सेंट्रॉइड क्या होगा, x1+x2+x3/3, y1+y2+y3/3। अब एक नया ट्रायंगल बनाइए आप इनके मिड पॉइंट को लेकर, इनके मिड पॉइंट को लेकर एक ट्रायंगल बना लीजिए। अब इसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1+x2/2, y1+y2/2, इस तरह से इसका x1+x3/2, y1+y3/2, इसका x2+x3/2, y2+y3/2, होगा ही नहीं होगा बताइए। अब ये मिड पॉइंट लेते, जो नया ट्रायंगल बना हुआ है, इसका सेंट्रॉइड निकालिए, सेंट्रॉइड निकालेंगे तो क्या होगा, x1+x2/2+x1+x3/2+x2+x3/2/3, तो यही आ जाएगा, मतलब ओरिजिनल ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड है और इस ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड है, दोनों कॉइंसाइड कर रहा है, समझ रहे बात को, ये भी एक ट्रिकी पॉइंट,
बहुत बढ़िया पॉइंट है या नहीं है बताइए, ये भी ट्रिकी पॉइंट है, बहुत बढ़िया पॉइंट है ये। अब इस तरीके से अब सपोज ले लीजिए ये कॉनेट एच के, ये भी ले लीजिए, फिर इसका लीजिए, फिर इसका लीजिए, इसका भी सेंट्रोइड वही आएगा, आएगा नहीं आएगा, इसका इन दोनों का मिड पॉइंट एक तरह से ये, फिर इन दोनों का मिड पॉइंट ये, इन दोनों का मिड पॉइंट ये पॉइंट, इसका फिर से आप एक ट्रायंगल बनाइए इसको लेकर के, इसको लेकर बनाता हूं मैं ट्रायंगल, ये मिड पॉइंट को लेकर, इसका भी जो सेंट्रोइड आएगा और इसका जो सेंट्रोइड है दोनों सेम है, इसका मतलब तीनों ट्रायंगल का सेंट्रोइड सेम है जी। ये ट्रिकी पॉइंट है, बात ध्यान में रखने वाली बात यहां पे, राइट। तो इस तरीके से मैंने अभी आपके सामने जो डिस्कस किया है काफी काफी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रिकी पॉइंट आपके सामने मैंने डिस्कस करा है जो कि सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल से रिलेटेड था, राइट। तो ये पॉइंट है यहाँ पे, तो इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखिए, काफी ज्यादा आपके जेई मेन जेई एडवांस के पेपर में यूज हो सकते हैं, डायरेक्टली इन पॉइंट्स का यूज करके आप फटाफट जल्दी से जल्दी जो डिजायर्ड प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन को आप अचीव कर सकते हैं, राइट। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। जरूर जरूर से सारे लेक्चर जो आपने पूरा एक तो लेक्चर देखना है जी, और पूरे प्रॉपर तरीके से लेक्चर देखने के बाद कमेंट्स लिखिए, लाइक कीजिए, लोगों को हमारे चैनल के बारे में बताते रहिए ताकि सबको हमारे काम से बेनिफिट मिल सके, राइट राइट। आइंस्टाइन क्लासेस जो हमारा पूरा एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपको कंप्लीट हेल्प करेगा जेईई मेन की तैयारी के लिए, जिसमें कि कई सारे लेक्चर्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए यहाँ पे आईआईटी जेईई मेन एडवांस फिजिक्स का आप देख सकते हैं, जेईई मेन एडवांस क्रैश कोर्स, जिसमें कि अभी तक 8 चैप्टर को हमने यहाँ पे अपलोड कर दिया है, 3-3 घंटे के लेक्चर्स हैं, राइट। इसको जरूर से आप थॉरली देखिए और इसका काफी आप इससे आपको काफी मदद मिलेगा। फिर इसका जे एडवांस मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम फ्रॉम इरोडोब एस सी वर्मा, इसमें काफी इंपॉर्टेंट सब प्रॉब्लम है, इनफैक्ट एनसीईआरटी के भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं इसका, जिसमें कि 73 टोटल लेक्चर्स हैं, इसका आप हेल्प लीजिए। जे मेन एडवांस फिजिक्स ट्रिक्स का है ये लेक्चर, इसमें काफी सारे 23 ट्रिक्स बताए गए हैं जो कि कॉन्सेप्ट बेस्ड ट्रिक्स हैं और इसका यूज करके आप जल्दी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फिर इरोडोब सॉल्यूशन है जिसमें कि 43 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स इरोडोब के हैं, वो हमने यहाँ पे प्लेस करा हुआ है डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक को लेके। फिर इसके यहाँ पे सो मोर करिएगा तो और भी आ जाएगा, एस सी वर्मा के मिल जाएंगे। जेईई मेन एडवांस फिजिक्स का क्रैश कोर्स है, हालांकि आपको इस क्रैश कोर्स के ऊपर वर्कआउट नहीं करना है, यहाँ पे आपको करना है। एंड देन इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये देखिए जेईई मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक्स इन फिजिक्स, इसका आप हेल्प ले सकते हैं। तो ये सारे आपके वीडियो लेक्चर्स हैं जो आपको मदद करेंगे, रोटेशन रोलिंग मोशन के 12 लेक्चर्स हैं, राइट। इसका नीचे आ जाते हैं, देखिए मैथ्स से रिलेटेड है, अब इसका पूरा आप देख सकते हैं, ये सारा आपका मैथ्स एंड केमिस्ट्री से रिलेटेड आपको मिलेगा जिसका आप यूज कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से जेईई मेन में के लिए आपका ये सारे लेक्चर्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास हमारा जो है एक आइंस्टाइन क्लासेस का साइट भी है, जब यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपके पास ये साइट ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे einsteinclasses.com का ये साइट है, जहाँ पे आप जा करके जेई मेन का से रिलेटेड स्टडी मटेरियल, देखिए यहाँ पे जेई मेन और आईआईटी जेई दो है, जेई मेन का आपको मैं ओपन करके बताता हूँ। इसमें देखिए अब इसमें फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री प्रीवियस क्वेश्चन पेपर टेस्ट पेपर्स ये सारे हैं, जैसे काइनेमेटिक्स का खोलिएगा सिलेबस लिखा हुआ है काइनेमेटिक्स का, इसके बाद फिर आपका कॉन्सेप्ट्स है, ब्रीफ कॉन्सेप्ट्स लिखे गए हैं, देन इसके बाद प्रैक्टिस प्रॉब्लम है उसी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, राइट। देन इसके बाद फिर से एक्सेलरेशन और इंस्टेंट एक्सेलरेशन के बारे में बताई गई है ब्रीफली क्या कॉन्सेप्ट है, देन प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। हमारा पूरा स्टडी मटेरियल है जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, हमारी साइट पर जा करके आप इसे डाउनलोड कीजिए और इसका हेल्प लेकर के आप तैयारी कर सकते हैं। देन इसके बाद हर एक जो भी चैप्टर है उसके अंदर हमने हर चैप्टर को इस तरह से कॉन्सेप्ट वाइज डिवाइड कर रखा है, ब्रीफली कॉन्सेप्ट लिखी गई है, फिर उसके नीचे ही प्रॉब्लम्स दिए गए हैं ताकि आप उस कॉन्सेप्ट को समझ सकें। एंड देन इसके बाद आगे देखिए आप इसी तरीके से देखिए मोशन विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, फिर उसके नीचे प्रॉब्लम्स हैं, इस तरीके से पूरी चैप्टर को कवर अप किया सारे चैप्टर को। फिर इसके बाद देखिएगा यहाँ पे इनिशियल स्टेप एक्सरसाइज है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स का एक्सरसाइज है जो कि आपकी जेईई मेन में एडवांस में आता रहता है, राइट। ये देखिए आपको मैं दिखाता हूँ ये पूरा, जैसे इसमें आपके इनिशियल स्टेप में करीबन 15 क्वेश्चन इसमें
जो है 17 क्वेश्चन है, फिर फाइनल स्टेप एक्सरसाइज थोड़ा टफर लेवल के प्रॉब्लम जो जेई मेन में आते हैं, बट ये कंप्लीट जेई मेन को कवर अप अच्छे से करता है और इनफैक्ट जेई एडवांस की भी तैयारी आपको अच्छे से करा देगा ये पूरा स्टडी मटेरियल। फिर AI ट्रिपल एनालिसिस मतलब जेई के प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, लेकिन इसमें सारे क्वेश्चन नहीं है, ये 2007 तक हमने प्लेस कर रखा है। फिर टेस्ट योर सेल्फ, फिर 10-12 क्वेश्चन का टेस्ट आपको देना है, नीचे आंसर्स हैं। इसमें सॉल्यूशन कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, बट आपको पूरा ये एक स्टडी मटेरियल मिल जाएगा जिससे कि आप हेल्प लेकर तैयारी कर सकते हैं, इसका हेल्प लेकर के इस तरीके से हर चैप्टर का इनफैक्ट मैं आपको दिखा दूँ। देखिएगा आप यहाँ पे डायनामिक्स, रोटेशन, मोशन, इस तरह से फिजिक्स के चैप्टर हो गए, फिर मैथ्स के चैप्टर भी आपको मिल जाएंगे, फिर केमिस्ट्री के भी चैप्टर मिल जाएंगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको मिलेगा, ये सारे 2014-2015 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है। फिर एक्स्ट्रा टेस्ट पेपर्स हैं, ये सारे टेस्ट पेपर्स हैं जिससे ये प्रैक्टिस टेस्ट पेपर है, इसका हेल्प लेकर 6 टेस्ट पेपर्स हैं जिसका है, आप घर पे फुल टेस्ट आप दे सकते हैं, ये कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट है, राइट। एक तो ये बात है, फिर इसके बाद इसी तरीके से हमने आप लोगों के लिए IIT JEE के लिए भी ऐसा पूरा ही स्टडी मटेरियल डेवलप कर रखा है अपने साइट पे, वहाँ पे जा करके देखिए फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सेल्फ इवेल्युएशन टेस्ट, देन फाइनल रिवीजन, तो इसका पूरा आप हेल्प ले सकते हैं सारे चैप्टर्स का। और साइट हमारी काफ़ी प्लेन साइट है, और जा करके स्टडी मटेरियल को डाउनलोड कीजिए और उसका हेल्प लेकर के आप पढ़ाई कीजिए, राइट। तो ये मेरा बताने का पर्पस ये था कि आप किस तरह से हमारे साइट को और हमारे जो एजुकेशनल चैनल है यूट्यूब पे उसका यूज करके आप अपनी IIT JEE की प्रिपरेशन कर सकते हैं, राइट। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों को हमारे वर्क के बारे में बताइए, हमारे काम के बारे में बताइए, लोगों को मोटिवेट कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि जो भी नए वीडियो अपलोड होंगे तो उनके पास डायरेक्टली नोटिफिकेशन में आ जाएगा, उसका वो हेल्प ले सकते हैं, राइट। ओके, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले कुछ सेशन में जिसमें भी इसी तरह से हम लोग जेई मेन के ऊपर बात करते रहेंगे, जो कि आपका 2019 में आपका जनवरी के महीने में होने जा रहा है, राइट। ओके, थैंक यू वेरी मच।